फैमिली वेलकम बैक। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं निधि पिंक वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ डेली वियर साड़ियों का कलेक्शन, क्योंकि अभी गर्मियां आने वाली हैं, सर्दियों का सीजन ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, तो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है अगर आप डेली वियर की साड़ी में इंटरेस्टेड हो, जो कि बहुत ही रेगुलर यूज के लिए है, तो आप परचेज कर सकते हैं, वीडियो में बने रह सकते हैं। अगर आप इस तरीके के साड़ियों में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा देख सकते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10-15 साड़ियाँ हैं आज डेली वेयर, जो कि मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी एक फेवरेट साड़ी से, जो कि ग्रे कलर की है। और हाँ, सभी साड़ी में पन्नियाँ लगी हैं पॉलीथीन, तो वो थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। फर्स्ट वाली बहुत ही प्यारी सी ग्रे कलर की साड़ी है, ओपन कर लेते हैं इसको। ये मैंने ली है आई थिंक 350 में, और बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये, आप देख रहे हैं। मैं थोड़े से बाल वगैरह सही कर लूँ, क्योंकि ये आवाज़ कैच नहीं होता है माइक में। तो कुछ इस तरीके की साड़ी है, और पूरे बॉर्डर पर आपको ये वाले सीक्वेंस और गोटा पट्टी का काम मिल जाएगा, टसल्स मिल जाएंगे, बाकी पूरी साड़ी आपको ऑल ओवर प्लेन मिलने वाली है। दिखाने लायक कुछ है नहीं, फिर मैं साइड में ट्रायन लगा दूंगी अगर आप प्रॉपर लुक देखना चाहते हैं तो। ओपन कर देती हूँ वैसे भी मुझे ओपन करना ही है, मैं थक जाती हूँ यार इसे फोल्ड कर करके, इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि थोड़ा कम में भी काम चल जाए मेरा। तो साड़ी पूरी प्लेन है और बॉर्डर इसका ऐसा है, बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है इसका, जॉर्जेट का, पल्लू में कुछ इस तरीके से ये टसल्स लगे हुए हैं दोनों साइड, बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है। लिया है मैंने मीशो से, और पैकेजिंग अच्छी थी इसकी, सभी के सभी को मैंने ओपन कर लिया है, और बीच में ये पन्नी वगैरह आई थी। साड़ी का लेंथ विथ बिल्कुल सही है, साइड में मैं ट्रायन लगा दूंगी तो आप प्रॉपर लुक चेक कर लीजिएगा। वैसे मुझे ये साड़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसमें कलर ऑप्शंस भी हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। पिस्ता ग्रीन है और लाइट पिंक कलर भी आई थिंक, और ये मैंने ग्रे वाला परचेज किया है। नेक्स्ट वाली जो साड़ी है वो चुन्नी प्रिंट पे है, ये भी मैंने 350 का ली है। 350 से ऊपर कोई भी साड़ी नहीं है मेरे पास आज के हॉल में, तो ये साड़ी भी मैं ओपन कर लेती हूँ। इसे मैंने ओपन नहीं किया है, ऊपर से ही देख के मैंने इसे रखा हुआ था, बिल्कुल मैं अभी ओपन ही कर रही हूँ इसको। पूरी साड़ी जॉर्जेट के फैब्रिक की है, चुनरी बांधनी प्रिंट आप जो बोले वो है, रेड कलर का है, प्रॉपर रेड है, और पूरी साड़ी में कुछ इस तरीके से बॉर्डर मिलेगा आपको ग्रीन कलर का, इसमें गोटा पट्टी भी है। और ये वाले साड़ी का जो ब्लाउज पीस है ना, ये मैं दिखाना भूल गई, ये साड़ी का जो ब्लाउज पीस है ना वो कुछ इस तरीके से ग्रे कलर का मिल जाएगा, साड़ी आपको इस तरीके से मिल जाएगी। बट ये वाली साड़ी में तो जो ब्लाउज है और जो साड़ी है पूरे का पूरा आपको सेम मिलेगा। फैब्रिक आप जितना पे कर रहे हैं, 350 में तो आजकल दुपट्टे मिलते हैं, और हमें पूरी 5.5 मीटर की साड़ी मिल रही है, प्लस ब्लाउज का भी फैब्रिक मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए साड़ी से। जितना आप पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको 500 या उससे ऊपर की साड़ियों का जो फैब्रिक मिलता है ना वैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना आप पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है पूरी साड़ी, आप देख रहे हैं। ये ब्लाउज का फैब्रिक है, जो कि 80 सेंटीमीटर कट करके निकाल लेना है। नेक्स्ट मैंने एक और साड़ी ली है, ये भी 350 की है, और इसे मैंने लिया है ब्लू कलर में, इसे भी ओपन कर लेते हैं। क्वालिटी सभी साड़ियों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्लस जो लेंथ विथ है ना वो भी सबकी सब सही ही है। वैसे मैं ट्रायल में भी चेक कर लूँगी प्रॉपर लेंथ विथ, कुछ इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा पूरी साड़ी आपको, कुछ इस तरीके से बांधनी प्रिंट में मिल जाएगी, और इसे मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। ये रही पूरी साड़ी, कलर आप देख रहे हैं रॉयल ब्लू कलर का है, कितना प्यारा लग रहा है। बाय द वे जो रिंग और जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ना, इसे मैंने मीशो से परचेज़ किया है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, प्लस ये जो सूट मैंने वियर किया है ये भी मीशो का ही है। तो साड़ी ओपन कर लेते हैं, पूरी साड़ी में कुछ इस तरीके से बॉर्डर मिलेगा, 350 के अकॉर्डिंग जितना आपने पे किया है उससे अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड हो रही है। और हाँ, किसी में भी डिलीवरी चार्ज नहीं पे करना है हमें, सभी के सभी अपने ही प्राइस पे हैं। पूरी साड़ी आप देख रहे हैं,
सॉफ्ट फैब्रिक है जॉर्जेट का, ये रहा पल्लू का पोर्शन और ये अब देख रहे हैं बॉर्डर कितना चौड़ा मिलने वाला है। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, डेली वेयर में आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे भी अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला या ब्रॉड बॉर्डर वाला आप साड़ियाँ नहीं वेयर करना चाहेंगी, तो उसके लिए ये साड़ी आप ले। तो नेक्स्ट वाली जो साड़ी है ये भी बांधनी प्रिंट में है, बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। तो ये वाली जो साड़ी है वो बांधनी प्रिंट में है और ये भी येलो कलर और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। इस तरीके से आपको बॉर्डर मिलेगा। ये भी 350 की ही साड़ी है आई थिंक, नीचे के साइड से कुछ हाँ सभी साड़ियों में आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग की ये साड़ी कुछ इस तरीके से है, तीनों साइड आपको बॉर्डर मिलेगा। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है यार, 350 में आपको क्या चाहिए, बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। अगर आपको इस तरीके की साड़ियों में इंटरेस्ट हो ना तो आप सोचना मत कोई सी भी साड़ी परचेज कर लेना, क्योंकि जो सभी की सभी साड़ियाँ हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सभी के सभी बांधनी प्रिंट में ही हैं। नीचे के साइड से ये साड़ी ब्लू है, फिर थोड़ा सा लाइट ग्रीन, फिर येलो में है और पूरी साड़ी ऐसी ही है। फिनिशिंग वगैरह साड़ियों की बहुत ही सही है, ये आप देख रहे हैं इसमें जो बॉर्डर अटैच किया गया है इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही सही है। इस वाली जो साड़ी है ना इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जो पोर्शन है स्टार्टिंग का 80 सेंटीमीटर इतना ये है यार, कितना प्यारा येलो कलर है ये। ये जो साड़ी है ना ये जो फैब्रिक है 90 सेंटीमीटर का, ये ब्लाउज के लिए है, इसे कट करके अलग कर लेना है। नेक्स्ट वाली जो साड़ी है वो ब्लू वाले के सिमिलर ही मैंने ऑरेंज कलर में सेलेक्ट करी है और ये साड़ी कुछ इस तरीके से है, बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर है ये आप देख रहे हैं। इसे भी मैंने यार ये क्या था, बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर है ये आप देख रहे हैं और ना इसमें कुछ इस तरीके से बॉर्डर लगा हुआ है और बाकी पूरी की पूरी साड़ी आपको बांधनी प्रिंट, चुनरी प्रिंट जो आप बोलते हो, बंधेज प्रिंट उस पे ही मिलेगी। तीनों साइड कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा बॉर्डर। बाकी साड़ी मैं ओपन कर देती हूँ। ये वाला ब्लाउज के स्लीव के लिए दिया हुआ है इन्होंने इतना फैब्रिक, जो कि ब्लाउज के लिए है और ब्लाउज के स्लीव के लिए ये बॉर्डर है। बाकी पूरी साड़ी जॉर्जेट के फैब्रिक की है और ये साड़ी भी 350 में मैंने परचेज करी है। यहाँ देख रहे हैं कितना प्यारा सा ऑरेंज कलर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं ऐसे लगा के दिखा रही हूँ तो यार कितना प्यारा है ये। कलर ऑप्शन सभी की सभी साड़ियों में आपको 7 to 8 मिल जाएंगे, आपको जो भी कलर पसंद आ रहा हो आप बिना कुछ सोचे समझे फटाक से ऑर्डर कर लीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं गई ये साड़ी मेरी जी, जो साड़ी की वीडियो है ना बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी थी, फिर मैंने सोचा अब तो गर्मियाँ आ ही रही हैं मुझे वीडियो शूट कर लेना चाहिए, फिर जाके मैंने कैसे कैसे करके टाइम निकाला और वीडियो को आज कंप्लीट कर रही हूँ। क्या क्या बोलती हूँ ना, नेक्स्ट वाली जो साड़ी है ये भी येलो कलर की है और इससे मैंने आई थिंक 250 में लिया हुआ है, ये हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है, नीचे में कुछ ऐसा है ऊपर में कुछ ऐसा है। मैंने ज़्यादातर येलो कलर की साड़ियाँ ही सेलेक्ट करी हैं आई थिंक। ये साड़ी आप देख रहे हैं, इसे भी ओपन कर लेते हैं। 250 में हमें दुपट्टे नहीं मिलते हैं आजकल, 250 में मार्केट में जाओ या ऑनलाइन भी दुपट्टे नहीं मिलते हैं और ये हमें 250 में पूरी साड़ी प्लस ब्लाउज का फैब्रिक मिल रहा है, तो इसमें हम क्या क्वालिटी सोच सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कैसी क्वालिटी मिलेगी। बट जैसी भी मिली है 250 के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिली है। रानी पिंक कलर का ये जो है ना ये ब्लाउज का फैब्रिक है, उसके बाद ये मैं नीचे साइड से दिखा रही हूँ, नीचे में कुछ इस तरीके से है प्रिंटिंग है, ये फैब्रिक में ही है और बाकी पूरी साड़ी येलो है। वैसे मैं साड़ी उल्टा दिखा रही हूँ, बाकी पूरी साड़ी पे आपको ये रोज़ बने हुए मिल जाएंगे, साड़ी आपस में उलझी हुई है और ये ब्रांड का टैग वगैरह जो भी है। नेक्स्ट वाली जो साड़ी है ये मैंने ब्लू कलर की ली है और इससे मैंने आई थिंक एक बैंगल की वीडियो में वियर भी किया है, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये साड़ी, तब से मैंने ये साड़ी रखी हुई है कि आज मैं वीडियो शूट कर लूँगी कल मैं शूट कर लूँगी। तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी सी है, सॉलिड ब्लू कलर की है, इस पर लीफ की डिटेलिंग बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है ये साड़ी। इन साड़ियों को लेके आप अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो आप अनारकली सूट, लहंगे या स्कर्ट बना सकते हैं, क्योंकि 250 में या 350 में हमें पूरी की पूरी 5.5 मीटर की साड़ी मिल रही है और ये साड़ी आप देख रहे हैं। वैसे मैं इसे भी ओपन कर देती हूँ, मुझे आलस आता है फोल्ड करने में बट ट्राई ऑन तो मुझे करना ही है।
इसलिए ये रही पूरी की पूरी साड़ी की ये लीफ डिटेलिंग बनी हुई है, फैब्रिक में ही है, निकलने वाला कुछ भी नहीं है। डेली वेयर के लिए और मार्केट वगैरह या बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने जाती हैं तो आपके लिए साड़ी परफेक्ट है, उन लेडीज़ के लिए जो डेली वेयर में साड़ियाँ वेयर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और साड़ी है मेरे पास, ये वाली भी साड़ी 250 की ही है। और ये साड़ी रानी कलर की है, बहुत ही प्यारा सा रानी कलर है, ये आप देख रहे हैं। पूरी साड़ी पे ऐसे अंबिया बनी हुई है, बॉर्डर के साइड में ये आने वाला है। और बाकी ये 250 में आपको पूरी साड़ी प्लस ब्लाउज, साड़ी के साथ ब्लाउज फ्री मिल रहा है। तो ऐसा है, ये रहा पल्लू का फैब्रिक, बाकी ये रही साड़ी, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और लेंथ विड्थ भी बिल्कुल सही है। मेरी हाइट है 5.6 और उसके अकॉर्डिंग ये साड़ियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी आएंगी, क्योंकि ये साड़ियाँ जो छोटी होती हैं ना वो पकड़ने में ही पता चल जाता है कि ये साड़ी का विड्थ कम है या लेंथ कम है। पूरी साड़ी आप देख रहे हैं और यहाँ से आपको मिल जाएगा ब्लाउज का फैब्रिक जो कि आप स्टिच करा सकते हैं। इसके पास मेरे पास एक लास्ट साड़ी है, ये भी रानी कलर की ही मैंने परचेज करी हुई है। ये आप देख, इसे मैंने एक वीडियो में वियर किया आई थिंक, तो ही मैंने ओपन किया था इसको। ये रहा साड़ी का पल्लू, बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है और वियर करने पे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये भी 250 का है, ये ब्लाउज का फैब्रिक है जो कि चुनरी प्रिंटिंग के साथ आप देख रहे हैं। उसके बाद ये स्टार्ट होता है हमारे पल्लू वाला फैब्रिक, सतरंगा फैब्रिक है ये, आप देख रहे हैं ये पल्लू ही पल्लू चल रहा है। प्लीट्स वाले पोर्शन में हमें ये साड़ी रानी कलर की मिलने वाली है, ये देख रहे हैं आप। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और मैं बहुत टाइम से टेंशन में थी कि मेरी वीडियो डेली वेयर साड़ी वाली कंप्लीट नहीं हो रही है, फाइनली आज कंप्लीट हो गई। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, ब्ला 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 मैं बोलने वाली हूँ जो कि आपको पता ही होगा। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अगर मैं पसंद आ रही हूँ या मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो साइड में ट्रायल लगा दूँगी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने वियर करी हैं उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, अगर आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं या उसका हॉल देखना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।